ड्रीम ड्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्री पवित्र तरजलयना जनवशे च अमितेश स्वाहा तीर्थोत्तम भवे निरीक्षीर वारिधि रूपके स्तप्यामि सुजन्माप्तां जिनां सर्वार्थ सिद्धिदान ओम रिम श्री वृषवादे वीरांतां जले स्वाहा ओम रिम श्री वृषवादे वीरांतां जले स्वाहा नम सम तम तम पम पम झं झीँ क्षी क्षी द्रा द्राम दीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पाप खंडय खंडय जय जय दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो हर झां क्षी क्षी हा श वा ह्र यषा क्षी क्षु क्षे क्षे क्षौ क्षौ क्षम झाँ श्रीरस्त वृद्धिस्तु तुष्टिस्त पुष्टिस्त शातिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्व कार्य सिद्ध्यथम सर्व्न निवारा अरत सर्वज्ञपरम श्री परम पवित्राय नमो नम सर्वेशा श्री शांति भट्टारक पाद बल आयु आरोग्य ऐश्वर्या वृद्धिस्तु सशिष्यपरशिष्यवर्ग प्रसिद्ध ओम ऋषिवादय श्री वर्धवान्न पत्र हर तो भगवंता सर्वजा परम मंगलनामदेय सर्वेशा यहाँ तन्वत सदर्मकारि प्रय्छं न ओम नमो हृदय भगवती श्रीमती श्रीमद्दार्षणतीर्थंकराय स्थीमत श्रीमद्त्नयूपय दिव्य तेजोमूर्त प्रभामंडलमंडिताय सहिताय समोचरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश रो लक्ष्मीशोभिताय अषादोषरहिताय ष्वांशदगुण संयुक्ताय पवित्राय बुद्धाय परमात्मने परी पवय सम्यज्ञाय स्वयंभव सिद्धा बुद्धा परमात्में परमसुखा त्रैलोक्यमताय असंसारचक्रप्रमर्दनाय अनंज्ञानदर्शनवीर सुखास्पदा त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मणे, बृहत फनामंडल मंडिताय ऋषियरिका श्रावक श्राविका प्रमुख उपसर्ग विनाशनाय जैन तर्क विद्या में दो बातों का मुख्य हमें उल्लेख प्राप्त होता है एक प्रमाण और एक नय तत्वा सूत्र के अंतर्गत एक सूत्र दिया गया है प्रमाण नयी रधिगम अर्थात प्रमाण और न्याय के द्वारा ही तत्व का अधिगम होता है प्रमाण के लिए हमारे अनेक आचार्यों ने अनेक दृष्टि से परिभाषित किया है आचार्य धर्मभूषण जी ने अपने न्यायदीपिका ग्रंथ में सम्यक ज्ञानम प्रमाणम एक साधारण सी बात कह करके प्रमाण को परिभाषित कर दिया है आचार्य माणिक्य नंदी जी ने स्वापूर्व अर्थव्यवसायत्मक ज्ञानम प्रमाणम परीक्षा मुख में प्रमाण प्रतिपादित किया है आचार्य देव ने विमलनाथ भगवान का स्तवन करते हुए कहा है स्वपराभ काशक यथा प्रमाणम भूपिबुद्धि बुद्धि सौ और पर ज्ञान कराने वाला जो ज्ञान होता है प्रकाशक वही ज्ञान ही प्रमाण होता है तो जो प्रमाण होता है वह प्रमाण ही सम्यक ज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है और उसके लिए अलग अलग ढंग से भले ही परिभाषित किया गया हो सौ और अपूर्व अर्थ अर्थात सौ और पर का जो निश्चय आत्मक ज्ञान होता है वही ज्ञान प्रमाण है मुख्य तो ज्ञान ही प्रमाण है और ज्ञान सौर पर प्रकाशक होता है जो सौर पर का अवभाषक प्रमाण होता है वही प्रमाण जैन आचार्यों ने मान्य किया है इसके साथ साथ तत्व अधिगम तत्वार्थ अधिगम के अंतर्गत सबसे पहला विषय यही आता है कि जैन तर्क विद्या में प्रमाण उन्नय क्योंकि अकेला प्रमाण प्रत्येक दर्शन ने तर्क का साधन माना है लेकिन जैन दर्शन ने न्याय की भाषा बोलते हुए यह कहा है कि स्यात पद जो होता है स्यात शब्द जो होता है वह एक स्यात शब्द ही न्याय को परिभाषित करता है क्योंकि नय के बिना किसी भी चीज़ का सम्यक ज्ञान होना संभव नहीं क्योंकि प्रमाण हर जगह उपयोगी या आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर लेते हैं लेकिन मात्र प्रमाण से विषय स्पष्ट नहीं हो पाता है जो नए के माध्यम से होता है नए प्रमाण या श्रोत ज्ञान के आंशिक ज्ञान का नाम नए है अथवा ज्ञाता वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है और हम ये कह सकते हैं कि जब हमें अपने लोग व्यवहार को साधना पड़ता है अथवा जब हमें किसी वस्तु की पूर्णता गहराई पर जाना पड़ता है तो एक साथ पूरा ज्ञान जब हम नहीं कर पाते हैं तो उनका ज्ञान करने के लिए हम न, हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है नई की